हेलो दोस्तों, तो एक नई वीडियो। आज का टॉपिक होने वाला है साउथ अफ्रीका वुमेन्स टीम वर्सेस पाकिस्तान वुमेन्स टीम। आज मैच 15 खेला गया सिडनी में और ये पाकिस्तान के लिए डू डाई मैच था, लेकिन पाकिस्तान ने हर गेम की तरह पाकिस्तान ने इस गेम में भी इतना अच्छा परफॉर्म किया कि पाकिस्तान ये मैच भी 17 रन से हार के साउथ अफ्रीका से, ठीक है। और पाकिस्तान के लिए डू डाई मैच थे, अगर पाकिस्तान जीता तो पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता, लेकिन अब पाकिस्तान ये मैच हार गए तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हो गया और पाकिस्तान ये मैच 17 रन से हारा। साउथ अफ्रीका वुमेन्स ने पहले टॉस जीता था, खुद बैटिंग करने का फैसला किया। साउथ अफ्रीका वुमेन्स ने अपने 20 ओवरों में 136 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर, और जब पाकिस्तान की बैटिंग आई, पाकिस्तान ने काफ़ी स्लो बैटिंग की, इतनी स्लो बैटिंग की कि मैं भी अजान परेशान यार। एक टाइम पे 36 बॉलों पे 63 रन चाहिए, तो पाकिस्तान ने स्लो बैटिंग करी चाहिए, वैसे पाकिस्तान मैच हार गया। पाकिस्तान ने 119 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पर, पता नहीं पाकिस्तान कर रहा क्या था, और पाकिस्तानी मैच 16 रन से हार गई। यार मैं तो इतना मेरा दिमाग ख़राब हो गया, पाकिस्तान वुमेन्स टीम कर रही थी, पहला मैच वेस्ट इंडीज इतना आराम से जीते, फिर इंग्लैंड को रिस्ट्रिक्ट रखा 158 रन पे, क्योंकि इंग्लैंड की काफ़ी एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप है, फिर उसके खिलाफ भी 42 रन से हारे और आज भी मैच 17 रन से हार गया। यार सीरियसली कर रहे क्या साउथ अफ्रीका, तो इतनी बड़ी हाई रैंक की टीम भी नहीं है, तो नॉर्मल रैंक की टीम है। पाकिस्तान शुरू में साउथ अफ्रीका को इतना हराता था, अब देखो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका जाकर खुश हो गया और पाकिस्तान वर्ल्ड कप की दौड़ से आउट हो गया। ये 7वां के 8वां वर्ल्ड कप खेला जा रहा है और पाकिस्तान जो है ग्रुप स्टेज से आगे जाता ही नहीं है, ना सेमीफाइनल में जाते, फाइनल बहुत दूर की बात है। या सीरियसली मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हूँ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, क्योंकि पाकिस्तान वुमेन्स पे इतना खर्चा करता है, इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर भी है, हर चीज़ इनको मिलती है, जो मेन्स टीम को मिलता है वो वुमेन्स टीम को ही मिलता है, लेकिन वुमेन्स टीम की परफॉर्मेंस दिन ब दिन खराब से खराब तर होती जा रही है। पहला गेम 8 विकेट जीता, दूसरा गेम 42 रन से हारे और तीसरा 17 रन से हारे। वेस्ट इंडीज़ को इन्हें मारा, इंग्लैंड से हार गए, साउथ अफ्रीका से भी हार के सीरियसली वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हो गए इंग्लैंड। अब साउथ अफ्रीका टॉप ऑफ द टेबल है, अब दूसरा ये शायद वेस्ट इंडीज़ क्वालिफाई करेगी या वेस्ट इंडीज़ क्वालिफाई करेगी या इंग्लैंड क्वालिफाई करेगी, लेकिन 110% इंग्लैंड ही क्वालिफाई करेगी इस ग्रुप। पाकिस्तानी ग्रुप में जो होगी वो साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड क्वालिफाई करेगी, और उस ग्रुप में इंडिया अपने 4 के 4 मैच जीता है, 4 के 4 मैच जीते, उनने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, उनने न्यूजीलैंड को हराया है, उनने श्रीलंका को हराया है, यार बांग्लादेश को उनने हराया है, और पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस अल्लाह माफ करे क्या परफॉर्म कर रहे हैं। सीरियसली वही खिलाड़ी जो 10 साल से खेल रहे हैं, फिर आप कहते हैं हम परफॉर्म नहीं कर सकते, ये कर सकते वो कर सकते, जवेरिया खान अपना रोना रोएगी, बिस्मा मारूफ अपना रोना रोएगी, इस दफा तो सना मीर भी नहीं थी, इनके पास इस बात का भी होगा कि सना मीर नहीं थी, इसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस, पता नहीं यार मैं तो काफ़ी डिसअपॉइंट हूँ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखकर। और पाकिस्तान अगला मैच अपना थाईलैंड के खिलाफ खेलेगी, वो जीते हारे फर्क नहीं पड़ा, थाईलैंड तो 11वें के 12वें नंबर की T20 टीम है और पाकिस्तान 7वें नंबर पर, मुझे लगता है यार मैं कहता हूँ वो भी हार जो, लेकिन वो अगर परफॉर्म करके जीत जाएगी, लेकिन वो जीतो हारो फ़ायदा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अपने प्राइड के लिए खेलेगी कि हमने 2 टीमों को हराया, हमने वेस्ट इंडीज़ को हराया, हमने थाईलैंड को हराया है, और यार वो बोलते ना शिट परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान टीम, और पाकिस्तानी टीम के साथ जो है ना इत्तेसाब होना चाहिए यार। बिस्मा मारूफ को बैठाओ, जवेर खान को बैठाओ, पूरी यंगस्टर नई टीम बनाओ यार। अब इंडिया में एक लड़की है, वो 16 साल की उम्र में जालिम के बच्चे 3-4 मैचों में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है, 16-32 लास्ट मैच में 42 रन की, मुझे नाम उसका नहीं आता, लेकिन उससे क्या परफॉर्मेंस, 16 साल की उम्र और यहाँ 34 साल की खवातीन है जो परफॉर्मेंस नहीं कर सकती। सीरियसली मेरा काफ़ी दिल तोड़ा पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने, लेकिन क्या कर सकती है, जो टैलेंट है बस वही होगा ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, मुझे सब सपोर्ट करते रहे कि मैं आप लोगों के लिए डेली क्रिकेट न्यूज़, क्रिकेट ओपिनियन कुछ ना कुछ चैनल पर करते रहे, तो मिलता हूँ वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।